हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने साइंस में चैप्टर वन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग समझ लिया था। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब वो आपको सारी अपनी वीडियो में देखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है ना। ये यहाँ तक ये चीज़ भी अपन ने पढ़ ली थी, लिविंग थिंग फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, देन लिविंग थिंग्स ब्रीथ, फिर लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, है ना। तो यहाँ आपका चैप्टर्स ख़त्म हो गया था। ठीक है, आज अपन करेंगे एक्सरसाइज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज डज नॉट ग्रो, यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ें जो बढ़ती नहीं है। तो फर्स्ट क्या है, सीड, फिर से बी क्या है, बेबी बर्ड, एंड थर्ड क्या है, डॉल, एंड फोर्थ क्या है, ट्री, है ना। तो देखो, सीड मतलब बीज भी बड़ा होगा, एंड जो बेबी बर्ड है वो भी बड़ा होगा, डॉल है तो क्या डॉल बड़ी होगी क्या, और ट्री भी बड़ा होगा। तो यहाँ पूछा है कि कौन नहीं बढ़ता है, तो कौन नहीं बढ़ेगी, डॉल। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा, सी, कि डॉल नहीं बढ़ती है। ठीक है, अब सेकेंड देखो, ग्रास हॉपर्स ब्रीथ थ्रो देयर, मतलब जो ग्रास हॉपर रहते हैं ना वो सांस कैसे लेते हैं, तो नोज से, स्टोमेटा से, या गील से, या एयर होल से। तो कैसे आएगा, एयर होल से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, तो क्या आएगा, काऊ आएगा कि प्लांट आएगा कि रैबिट आएगा, तो क्या आएगा, क्रोकोडाइल। तो थर्ड वाले का आंसर क्या है, क्रोकोडाइल। फिर फोर्थ वाला है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ सेंस ऑर्गन, इन सब में से सेंस ऑर्गन कौन नहीं है, तो नॉस सेंस ऑर्गन है, स्किन भी सेंस ऑर्गन है, आइज भी सेंस ऑर्गन है, लेकिन हैंड्स आइज ऑर्गन नहीं है। तो अपन क्या आएगा, हैंड्स पे टिक लगाएंगे। ठीक है, अब फिफ्थ वाला देखो, क्या है, विच ऑफ दिस इज अ लिविंग थिंग, अब इसमें से कौन सा लिविंग थिंग है, तो क्या कंप्यूटर लिविंग थिंग है, नहीं, चेयर लिविंग थिंग है, नहीं, रोज प्लांट है तो लिविंग थिंग है, और बुक लिविंग थिंग नहीं है, तो अपन क्या लगाएंगे, रोज प्लांट। विच ऑफ दिस डू नॉट ब्रीथ, अब इनमें से कौन ब्रीथ नहीं लेता है, तो प्लांट्स वो तो ब्रीथ लेते हैं, इंसेक्ट्स भी सांस लेते हैं, फिश भी सांस लेते हैं, तो इसके अंदर क्या आएगा, ऑल ऑफ देम ब्रीथ, क्या आएगा, ऑल ऑफ देम ब्रीथ। ठीक है, आया समझ में। अब आपको आज अपन ने क्या करें, ओनली चूज द करेक्ट करें, क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें, तो यही अब आपको आपकी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। तो ठीक है, आज से ये आपका होमवर्क है, आपको ये अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।